भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार 23 सितंबर को इस मैदान पर टीम इंडिया सीरीज को बराबर करने उतरेगी। इससे पहले मैच में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम अगर यह मैच नहीं जीतती है तो सीरीज गंवा देगी। इस मैदान पर भारत के रिकॉर्ड को देखें तो वह पिछले 6 साल से यहां नहीं हारा है। टीम इंडिया नागपुर में 5वीं बार T20 मैच खेलने उतरेगी। वहीं पिछली बार जहां 10 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ खेली थी तब 30 रन से मैच को अपने नाम किया था। नागपुर में अब तक खेले गए 4 मैचों में भारतीय टीम को 2 में जीत मिली है। वहीं 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहाँ पहली बार खेलेगी। भारत को नागपुर में पिछली हार 15 मार्च 2016 को मिली थी। तब न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 के मैच में भारत को हराया था। नागपुर में टीम इंडिया का प्रदर्शन। तारीख 9 दिसंबर 2009 श्रीलंका ने भारत को 29 रन से हराया था। 15 मार्च 2016 न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। 29 जनवरी 2017 भारत ने इंग्लैंड को 5 रन से हराया था। 10 नवंबर 2019 भारत ने बांग्लादेश को 30 रन से हराया था। आइए जानते हैं इससे पहले मैच में खेले गए मोहाली में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 30 रन गेंदों में 70 से अधिक रन बनाए और नाबाद रहे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.2 ओवर में ही यह नाम अपने कर लिया मैच। कैमरॉन ग्रीन ने 30 गेंदों में 60 रन की पारी खेली और मैथ्यू वेड ने 21 गेंदों में 45 रन की नबाद पारी खेली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।